हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याधन कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नंबर्स: नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर एंड रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग एट वन। जो नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, 10000 up to infinity। इस सिंबल को इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट आर एंडलेस। अब हम देखते हैं होल नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए इस नंबर लाइन को देखिए। अब देखते हैं इवन नंबर्स। An even number is any number that can be divided by 2. किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो उसे इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0, 2, 4, 8, 10। यहाँ पे अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 0। इसी तरह से 2 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर मिलेगा 1। इसी तरह किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो उस नंबर को इवन नंबर कहते हैं। अब देखते हैं ऑड नंबर्स। एन ऑड नंबर इज एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो उसे ऑड नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 1, 3, 5, 7, 9। इन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और ऑड नंबर्स को उसे डिवाइड नहीं कर सकते। और अच्छे से समझने के लिए इस नंबर लाइन को देखिए। अब देखते हैं प्राइम नंबर्स। अ नंबर विच ओनली हैज 2 फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड 1। अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और वो नंबर खुद, मतलब कोई नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 25 प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन सभी नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। जैसे 2 सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही आता है, वैसे ही 17 भी 1 के और खुद के टेबल में ही आता है। इसीलिए इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब कोई भी नंबर 2 से ज्यादा नंबर के टेबल में आता है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4, 8, 9, 12। जैसे 4 के 3 फैक्टर्स है, मतलब 4, 1, 2 और खुद के टेबल में आता है, इसीलिए 4 कंपोजिट नंबर है। वैसे ही 8 के 4 फैक्टर्स, 9 के 3 फैक्टर्स और 12 के 6 फैक्टर्स है, इसीलिए ये सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर्स है। ऐसे बहुत से नंबर है जो कंपोजिट नंबर्स है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, उन सभी नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स कंटेनिंग होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट्स। मतलब सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो को इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, -4, -25, -100, 0, 2, 10, 75, इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है रैशनल नंबर्स। एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, a/b, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अगर किसी नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो उसे रैशनल नंबर कहते हैं, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब b≠0। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स
whole numbers, fractions and decimal. For example, 5, 18.5, 8/3, -25. यहाँ पे 8/3 ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन 5, 18.5 और -25 फ्रैक्शन में नहीं है, पर हम इन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 20/4 = 5, 37/2 = 18.5 और -100/4 = -25। इसीलिए ये सभी नंबर भी रैशनल नंबर्स है, क्योंकि हम इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है इरेशनल नंबर्स। एन इरेशनल नंबर्स दैट कैनॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। किसी नंबर को अगर फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो उस नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स रिटन एज डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, π √2 √3 √8 −√11। रूट टू की एक्चुअल वैल्यू है 1.41421356233 एंड सो ऑन, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इसीलिए हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल मतलब जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। इरेशनल नंबर्स के और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ √3 √8 और √5 की एक्चुअल वैल्यू दी गई है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इसीलिए ये सभी नंबर्स इरेशनल नंबर्स है। अब देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। मतलब अब तक हमने जितने भी नंबर्स देखे उन सभी नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, π √2 −4 −2.5 −√11 0 और 94। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, सभी नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं।